सो फाइनली दोस्तों फाइटर मूवी को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू ऋतिक रोशन। जी हां दोस्तों, ऋतिक रोशन का आज जन्मदिन है और आज कुछ तो सरप्राइज आने वाला है फाइटर मूवी को लेकर। ट्रेलर की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि ट्रेलर कब तक आएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी अपडेट लेकर आऊं फाइटर मूवी को लेकर। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, लाइक कमेंट करने का, अपने भाई रवि चौधरी को इसी तरह प्यार और सब्सक्राइब कर लो ना यार। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बस दोस्तों आपको बता दूं कि फाइटर मूवी आ रही 25 जनवरी को, और आपको बता दूं कि भैया गणतंत्र दिवस पे ये फिल्म झंडे गाड़ने वाली है बॉक्स ऑफिस पे। कुछ लोग हेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइटर मूवी का हाइप इतना नहीं है, ऋतिक रोशन की फिल्म जो है फ्लॉप होगी, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि वॉर फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर गई थी, वॉर से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। चाहे मैं बुक माई शो की बात करूं, इसका एडवांस बुकिंग भी दोस्तों आपको बता दूं कि खुलने वाला है बहुत ही जल्द। इसके साथ ही साथ फाइटर मूवी के लगभग 4 सॉन्ग आ चुके हैं और ऋतिक रोशन की चार्मिंग पर्सनालिटी, हैंडसम हंक एंड वेल दोस्तों दीपिका पादुकोण, और इसके अंदर ये फिल्म की पूरी कहानी में आपको पुलवामा अटैक की स्टोरी दिखाई देगी। तमाम दोस्तों कहीं ना कहीं ये भारत को रिप्रेजेंट करेगी, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो विमान है जो आपने देखे होंगे इसके अंदर टीजर के अंदर जो एक झलक दिखाई गई थी, उस टीजर के अंदर जो विमान है काइंड ऑफ तेजस कह लीजिए, और भी उसमें अलग अलग विमान होंगे जिसकी एक स्पेशलिटी जो कैसे पाकिस्तान पर अटैक करती है, चुपके से जाते हैं, पुलवामा अटैक है, तमाम दोस्तों पूरी स्टोरी दिखाई जाएगी, इसका पार्ट होगा। हालांकि ये फिल्म टॉप गन मैवरिक की कुछ सीन्स कॉपी है दोस्तों। इसके ट्रेलर को लेकर बहुत ज्यादा बज बना हुआ है, बुक माई शो पे 62,000 का इंटरेस्ट शो हो चुका है। और आपको बता दूं ये फिल्म 25 तारीख को रिलीज हो रही है और अब ज्यादा दिन बचा नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर कब तक आएगा? तो भैया ट्रेलर आ रहा है 15 जनवरी। जी हाँ, 15 जनवरी को ट्रेलर आ रहा है, और आज क्योंकि ऋतिक रोशन का बर्थडे है तो शाम तक दोपहर तक कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आने वाली है, बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाली है फाइटर मूवी को लेकर। 15 जनवरी का जो ट्रेलर आएगा, ट्रेलर लगभग 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास का ट्रेलर होगा दोस्तों, लगभग इतना ही। और उस ट्रेलर के अंदर कहा जा रहा है कि आपने ऐसा ट्रेलर नहीं देखा होगा, बड़े बड़े सूत्र लोग ऐसा बोल रहे हैं, ट्रेलर क्रिटिक्स ऐसा बोल रहे हैं कि ये ट्रेलर जो काटा है ना भैया फिल्म मेकर ने, सिद्धार्थ आनंद ने, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, बहुत ही मतलब बॉलीवुड की सबसे खतरनाक ट्रेलर काटा है भाई। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि फिल्म की हाइप नहीं है, भाई आपको बता दूं ये फिल्म की हाइप ना इतनी तगड़ी होने वाली है ना भाई, ये फिल्म गदर मचा देगी, लिख के लेना। इस फिल्म में आपको सारे के सारे स्काई शॉट देखने को मिलेंगे, नेचुरल शॉट, डायरेक्शंस कमाल का देखने को मिलेगा सिद्धार्थ आनंद का, वीएफएक्स नकली नहीं लग रहा है, ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी, रिएक्शन, और मैं कह रहा हूं भाई विलन की एक झलक मैंने देखी भाई, फटके हाथ में आ जाएगी। क्या विलन भाई साहब, बिल्कुल खतरनाक विलन बनाया भाई, खतरनाक विलन। और आपको बता दूं ये फिल्म एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान, जी हां, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फिल्म होने वाली है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की अच्छे से बैंड बजने वाली है। उधर सन्नी देओल ने गदर में गदर मचा दिया। अब भैया आपको बता दूं कि ऋतिक रोशन ना भाई साहब पाकिस्तान में ये स्काई शॉट से मतलब अपने विमानों से ही गदर मचाने वाले हैं। तो भैया कुल मिला के ये जो फिल्म है फाइटर, वन ऑफ द बिगेस्ट अवेटिंग फिल्म है एंड इसका क्रेज बहुत ज्यादा है। आई एम सो एक्साइटेड दोस्तों। इसकी एडवांस बुकिंग कब से शुरू होगी? तो भाई आपको बता दूं इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होगी, ट्रेलर 15 को आएगा, 15 के लगभग यानी कि 17-18 से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी ओवरसीज के एरिया में। उसके बाद लगभग दोस्तों 19 तारीख से, ऑलमोस्ट 18 से 19 तारीख तक इंडिया में कंप्लीट तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। एंड डेफिनेटली भाई ये फिल्म कितना करोड़ का कलेक्शन कर सकती है? तो लगभग 500 करोड़ के क्लब में ये फिल्म शामिल हो जाएगी। एंड दोस्तों क्योंकि ये फिल्म रिलीज हो रही है 26 तारीख को, आई थिंक फ्राइडे है, 25 को थर्सडे है, लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है। ऑफ कोर्स यार ये अपने संडे तक वीकेंड तक कम से कम 180 से लेकर 200 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लेगी। और फर्स्ट डे की ओपनिंग भाई बता रहा हूं मैं, फर्स्ट डे की ओपनिंग कम से कम 45 से 50 करोड़ हाथ में है। तो दोस्तों ये नंबर्स आ रहे हैं फाइटर मूवी को लेकर। फाइटर मूवी में आपको अनिल कपूर देखने को मिलेंगे, करण ग्रोवर है, तमाम एक्टर है दोस्तों। पूरी स्टोरी जो है एक कल्ट क्लासिक फिल्म है, और आपको बता दूं कि यह फिल्म दोस्तों आप हर एक हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए, और इस फिल्म के अंदर सारे इंसिडेंट जो है रियल स्टोरी रियल पार्ट में है दोस्तों। आपको बता दूं कि
ऋतिक रोशन ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत भी की है और ये वॉर फिल्म जो है आई थी उसने 300 करोड़ का कारोबार किया था, लेकिन ये फिल्म अच्छा करोड़ का अच्छा कारोबार कर सकती है, अच्छा कलेक्शन कर सकती है। 1000 करोड़ तो नहीं कमाएगी आई एम श्योर, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, लेकिन हाँ ये फिल्म 500 करोड़ के पार चली जाएगी दोस्तों। और आपको बता दूं इसके ट्रेलर में और क्या क्या चीज आपको देखने को मिल सकती है, तो यार टीजर ने काफी धूम मचा दिया है, 400 आ चुके हैं, अब ट्रेलर की बारी है। ट्रेलर में भाई साहब आपको इसमें विलन की झलक देखने को मिलेगी और ट्रेलर के अंदर आपको बता दूं कि जो स्टोरी का जो प्लॉट कटा है, आई मीन इसमें एक्शंस इस बार आपको टीजर में इतने एक्शंस देखने को नहीं मिले थे, हालांकि टीजर के अंदर सिर्फ आपको उसके ग्लिम्स देखने को मिले कि हाँ भाई फिल्म कैसी है, लेकिन ट्रेलर में जो स्टोरी देखने को मिलेगी ना सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेगा एंड आई बिलीव दोस्तों ये एक्शन फाड़ देगा। दोस्तों ट्रेलर का वेट है, 15 तारीख को ट्रेलर आ रहा है, एडवांस बुकिंग भी जल्दी शुरू होने वाली है एंड भाई साहब ये फिल्म आपको बता दूं कि पूरे भारत पूरे ओवरसीज में रिलीज हो रही है, पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, फाड़ के रख देगी और बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है दोस्तों मार्फ्लिक्स। एंड आपको बता दूं कि वायकम 18 के एसोसिएशन में फिल्म बन रही है एंड डेफिनेटली भाई इस फिल्म का वेट हम सबको है। दोस्तों कमेंट करके बताओ फाइटर मूवी के लिए आर यू एक्साइटेड, क्या फाइटर मूवी 300 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ 1000 करोड़ कितने करोड़ कारोबार कर सकती है और क्या आप फाइटर मूवी को देखोगे। थैंक यू दोस्तों इसी तरह प्यार देने के लिए, कमेंट और लाइक भर भर के करो भाई।